मन में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है। रथ को लेकर के चली है लोगों, खुद रथ को हांक रही है और जब ओरछे के पश्चिम दशा में पहुंची तो उसने क्या देखा कि ग्वाला गैया चरा रहे। कुंजावती ने हाथ का इशारा देके ग्वाला को बुलाया। वो गांव में गांव का लड़का भतीजा लगता था कुंजा के, जो पास में आया, बुआ तुम रथ को खुद हांक रही हो। आंखों में आंसू भर के कुंजा बहन बोली, भैया मोए भैया को मरघट बता दीजे मेरे भैया रे। मोए भैया को मरघट बता दीजे मेरे भैया रे। कहां पे बिरन मेरा दुश्मन ने डराओ, कहां पे बिरन मेरा दुश्मन ने डराओ, कोई उंगली उठा दीजे मेरे भैया रे। मोए भैया को मर घटू जब ये आवाज दी है, गांव का छोरा जो है ना आज कुंजावती को लेकर वहां पहुंचा जहां हरदौल की हड्डियां पड़ी थी, राख तक उड़ गई थी, इशारा किया यही है चाचा की हड्डियां बुआ। एकदम से रथ में से कूद पड़ी कुंजावती और आज हरदौल की हड्डियां लेकर के अपनी झोली में भरने लगी लोगों। फिर उन्हीं हड्डियों को झोली में भर के उन पर मुंह रख करके कुंजावती फपक फपक के रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही, एकदम से उसकी बबकारी फूट गई। तेरी बेकार ने बहन रे के द्वार पे तेरे आई भैया। भानिज तेरी को ब्याह दीजे भात मोई पहराई भैया। मैं बड़ी बेकार हूँ, बड़े भैया ने मुझे फटकार दिया। बोलो भैया तुम कहाँ हो? उन हड्डियों से बातें कर रही है बाहरी बहन का प्यार। लोगों बहन के प्यार के बराबर कोई प्यार नहीं है, मैं सब कहता हूं। आवाज नहीं आई कोई, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे भैया? भैया एकदम चीख पड़ी और क्या हुआ लोगों? खेत का तारिया जो बहनों ने जब हियरा पर धरी जमाई और तब आवाज आत मर घट ते सिर में हुई आई बहन हमारी। ठहर जाओ। मेरी देखे जब हुई आई कैसे में भेटू भोटा पसारी। तुम चुप का चली जाओ ससुरे को काए को रोए रोए रही रुआई। लौट जाओ बहन, मेरा शरीर जल गया है। बहन कहने लगी, भैया जिंदा नहीं जाऊंगी, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दिया, मैं जल चुका हूं, मेरा शरीर जल चुका है, मेरी सिर्फ आत्मा है। भैया बात तो देना होगा, जब बहन की हाथ देखी है तो क्या आवाज आई? तब आवाज आत मर घट दे बहनारी सुन ले यार हमारी खाई।
कसम फिक्र ना करिए हम तो भात नियर पहनाई। दुखिया रथ में बैठ गई जाए भात मांग के आज भैया दे जा तुम मैं कैसे चली सिधाई। बहुत देर के लोग नोट ऊपर उठा रहे हैं, देखो वो इधर उठ रहे हैं। अब को दुरो तू है बखत परे में को दुरो तू तीज त्योहारी और मैया रो में सांझ सवेरी दुखिया सिसक भुरारी राती और बखत परे में भैया रो में बहना रोती तीज त्योहारी। इस तरह से बहन ने भात मांगा, चली जाती है दतिया के लिए। यह हरदौल की आत्मा ने गांव के साहूकार को सपना दिया है, ओरछे के साहूकार को। क्या? अरे पश्चिम दिशा ताल पुरानो पश्चिम दशा में जो पुराना ताल है उसमें बहुत खजाना है। आधे खजाने को लेकर तुम रख लो, आधे खजाने को ले जाकर मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो। सौदागर ने जब उस तालाब को खोदाया तो वास्तव में उसमें अरबों की दौलत निकली। आज वो सौदागर जिस दिन कुंजावती के यहां बारात आने को है भात लेकर के चला और उस साहूकार ने जाकर के वहां पड़ाव डाल दिया। इधर रत्ती भान बारात लेके आगे लोगों भात का जब वक्त हुआ तो साहूकार बिना ही सूचना दिए हुए कुंजावती के दरवाजे पर पहुंचा। एक लड़के ने जब सुना कि भतैया आ गया तो फौरन कुंजा को खबर दी है। आज कुंजावती आरती उतारने के लिए हाथ में थाली लेकर के आ गई। अब धीरे धीरे आरती कुंजा बिटिया कर रही कुंजा बिना करी रही जी। ये जी जाके दिल में हम जाके दिल में खुशी है आपारी। धीरे धीरे आरती आज भतैया भैया नहीं गांव का साहूकार। और जब मंडप के नीचे पहुंचा तो एकदम कुंजा चौंक पड़ी। भैया तुम? हाँ हम। और भैया कहाँ हैं? साहूकार कहने लगा बड़े बड़े विज्ञानिकों ने नहीं जान पाया कि मर के जीवात्मा कहाँ चली जाती। एकदम दांती को पीस के कहने लगी फिर तुम क्यों आए हो?
जवाब दिया, मुझे तुम्हारे भैया हरदौल ने सपना दिया और सपने के आधार पर मैं भात लेके आ गया। एकदम से कहने लगी तुम्हें सपना देने चला गया, मेरे आंगन तक नहीं आया और पछाड़ खा के गिर पड़ी कुंजावती। जो पछाड़ खा के गिरी तो हरदौल की आत्मा वहीं भटक रही थी, फौरन आवाज आई, यो बहन मेरा शरीर जल गया, मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए साहूकार के हाथों से भात पहन लो। कुंजावती कहने लगी बिना तेरे भैया में किसी को नहीं भेटूंगी। तो फौरन स्वर्ग से आवाज आती है कि जो खम्ब गड़ा हुआ है आंगन में लोहे का, जब खम्ब में हम समा जाएंगे और तू खम्ब से भेंट ले। आज कुंजावती बहन जब उस खम्ब के गलगलियां बढ़ने डालने लगी है, जो गलगल बहियां डाली तो हुआ क्या, फटो अचानक खम्ब लखो प्रतिबम मार गई झाई, हरदौल कुमार की तन कौरे के लखिए पार छाई। अरे छुप गई जैसे बिजली है घन में, और कोहरा दर्शन दिया है। अब गांव को साहूकार कहने लगा बहना में कोई और बटोई ना हूं, अब तुम मेरे हाथ का ही भात पहन लो, अगर भैया की पेश जाती तो तुम्हें जरूर गले से लगा लेते। मेरे नौजवान साथियों, आज गांव के सब लोग इकट्ठे हैं, वो गांव का ही साहूकार है, सपना जैसा दिया था उसी के आधार पर सबको भात पहनाने लगा। जब भात पहनने लगी तो कुंजावती रो के कहने लगी मेरा वीरन असली गरीब है, सुनो सासुल मेरी सुनो, भैया मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी, कहाँ से ना बेटा।